पत्रकार बंधुओं, आज डोगरा सदर सभा की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी के हालात देखते हुए हमें आपके समक्ष आना पड़ा। अगले दिन हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम सूबा से हमारे प्रोमिनेंट डोगरा आए थे, और इस बात की चिंता दिखाई सब ने कि जम्मू कश्मीर फिर 1990 वाली हालात की तरफ जा रहा है और इसकी हमें चिंता है। आज जम्मू कश्मीर इस यूटी के हालात उससे भी बदतर नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कश्मीर के अंदर से यहाँ का हिंदू सिख या वो नेशनलिस्ट मुस्लिम जो हिंदुस्तान की बात करता है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और कश्मीर आज सिर्फ वो पाकिस्तान की जो आवाज़ें सुने उसकी तरफ वो मूव कर रहा है। डोगरा सदर सभा, चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने यह रियासत खूबसूरत रियासत बनाई थी, और यहाँ का भाईचारा और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की संस्कृति बेशक भिन्न भिन्न थी, लेकिन पूरी दुनिया में एक मिसाल थी, गुजरते की तरह थी। तो इसकी चिंता दिखाते हुए हमने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अब तीन सतह पर, एक तो यूटी लेवल पर गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर इस केस को कैसे टेकअप करना है। इन बातों की तरफ हमने इशारा किया है, और जो हमारे में आदरणीय मेंबरों ने कहा वो एक लिखित रूप में प्रेस नोट आपके सामने है। मैं मुख्तसर में ये बात कहना चाहता हूँ कि 1990 में जो हालात बने थे, पाकिस्तान कामयाब हुआ था कश्मीर को खाली करवाने के लिए, और उसमें लाखों की तादाद में रातों रात लोग दौड़े थे कश्मीर खाली हो रहा था। उस वक़्त भी गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी पड़ी और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ा, इनको खड़ा करना पड़ा कि रोको, और ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने जा रहे हैं। और उस वक़्त मुझे याद है कि डोगरा सदर सभा हो या जम्मू महासभा, जिसमें हम लेकर चल रहे थे, इन पहाड़ों में हम चले गए थे। उस वक़्त के जनरल केवी कृष्णराव गवर्नर ने हमें अपील की, इन पहाड़ों में चले गए थे, और जो फैमिली माइग्रेट कर गई थी पीओके में वो भी हमने वापस बुलाई थी। 21 लड़के जेलों से छुड़ाए थे, मेन स्ट्रीम में मिलिटेंट जो बन गए थे वो जेलों छुड़ा के मेन स्ट्रीम में लाए उनको,